1983 और 2011 के बाद हिंदुस्तान के फैंस वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। कपिल देव और एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने दो बार भारत को वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया है। इन दो धुरंधरों के बाद देश को उम्मीद थी कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। धोनी ने विराट को कप्तानी इसलिए सौंपी थी कि ये युवा सपना सच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विराट अपनी कप्तानी में टीम को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना पाए। वनडे से विराट कोहली के कप्तानी से हटने के बाद रोहित शर्मा ने कप्तानी का कार्यभार संभाला। रोहित फुल टाइम कैप्टन फरवरी 2022 में बने। इससे पहले दो बार रोहित ने 2017 और 18 में कप्तानी का लुत्फ उठाया था, लेकिन असली जिम्मेदारी वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली। इस नई जिम्मेदारी के साथ रोहित ने वादा किया कि वो भारत को 2023 का वर्ल्ड कप जिताएंगे। इस दौरान रोहित ने एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप और WTC का फाइनल गंवाया, लेकिन देश को उम्मीद है कि रोहित घर में धमाका कर सकते हैं। 50 ओवरों का वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है। टीम इंडिया के पास घर में इतिहास रचने का मौका है। धोनी की तरह रोहित भी वर्ल्ड कप का टाइटल जीत सकते हैं, क्योंकि घर में रोहित का बल्ला गरजता है। घर में रोहित ने 79 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 58.10 के औसत से 4067 रन बनाए हैं। इस दौरान हिटमैन ने 12 शतक और 18 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, घर में रोहित के 3 दोहरे शतक भी हैं। ऐसे में रोहित का बल्ला वर्ल्ड कप में विरोधी टीम के होश उड़ा सकता है। रोहित के पास सुनहरा मौका है कि वर्ल्ड कप में धमाका करके टीम को चैंपियन बनाए। अगर यही वर्ल्ड कप बाहर होता तो रोहित की बल्लेबाजी के लिए थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि ताजा हालात में रोहित का बल्ला एकदम खामोश है। जनवरी 2023 में रोहित के बल्ले से इंदौर वनडे में शतक आया था। इससे पहले जनवरी 2020 में रोहित ने बेंगलुरु में शतक जड़ा था। रोहित शर्मा ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ 2015 में खेला था। इसके बाद रोहित रुके नहीं और उन्होंने 17 मैचों में 978 रन अपने नाम कर डाले, जिसमें 6 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित ने ये सारे रन घर के बाहर बनाए हैं। साफ है, रोहित अगर 2023 के वर्ल्ड कप में यही प्रदर्शन जारी रखते हैं तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उन्हें अपनी बल्लेबाजी सुधारनी होगी, साथ ही कप्तानी में धोनी जैसा एटीट्यूड रखना होगा, तब कहीं जाकर हिटमैन भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है।